दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं सुखोई SU-33 सुखोई द्वारा डिजाइन किए गए लड़ाकू विमान के बारे में डिटेल्स में। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे, और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूले। सुखोई SU-33 रशिया में बनाया हुआ लड़ाकू विमान है। सुखोई SU-33 को सुखोई SU-27 के आधार पर बनाया गया था। SU-33 लड़ाकू विमान को रशिया ने स्पेशली एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ही डिजाइन किया है। ये एक कैरियर बेस्ड एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है। SU-33 1998 में रशिया में इन सर्विस आया था। इसे चलाने के लिए एक क्रू मेंबर की जरूरत होती है, यानी कि ये सिंगल पायलट और ड्यूल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इसमें दो L-31F3 आफ्टर बर्निंग टर्बो फैंस वाले इंजन लगे हुए होते हैं, जो कि आफ्टर बर्निंग के बाद पर इंजन 125.5 किलो न्यूटन की पावर उत्पन्न कर सकते हैं। इन इंजिन की मदद से ये 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है और 17000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर। सुखोई SU-33 लड़ाकू विमान की लंबाई है 22 मीटर और इसका विंग स्पैन है 14.7 मीटर। इसकी हाइट है 5.93 मीटर। तो चलिए अब बात करते हैं SU-33 के वजन के बारे में। इसका एम्प्टी वेट है 18,400 किलोग्राम, इसका ग्रॉस वेट है 29,940 किलोग्राम और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 33,000 किलोग्राम। इसके एवियोनिक्स की बात करें तो इसमें एक N001 रडार लगा हुआ होता है, जो कि SU-27 में भी दिखाई देता है। इसके एवियोनिक्स की बात करें तो इसमें एक N001 रडार भी लगा हुआ होता है, जो कि SU-27 में भी दिखाई देता है। इसके अलावा इसमें OEPS-27 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम होती है और इसके अलावा SPO-15 रडार वार्निंग रिसीवर भी इसमें लगा हुआ होता है। SU-33 के हथियारों की बात करें तो इसमें एक 30mm की ऑटो कैनन लगी हुई होती है, जो कि 150 राउंड फायर कर सकती है। इस लड़ाकू विमान में 12 हार्ड पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें ये 6500 किलोग्राम तक वॉरहेड अपने साथ ले जा सकता है। SU-33 में S-8, S-13 और S-25 जैसे रॉकेट्स भी लगे हुए होते हैं। इस लड़ाकू विमान में R-27R और R-73E जैसी एटवेयर मिसाइलें भी लगी हुई होती है। इसके अलावा KH-31A और KH-41 एंटीशिप मिसाइलें भी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें KH-25MP और KH-31P एंटी रेडिएशन मिसाइलें भी इसमें लगी हुई होती है। SU-33 लगभग 500 किलोग्राम तक बम अपने साथ ले जा सकता है। इसमें RBK-500 क्लस्टर बम भी होते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, ये हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की लाइव अपडेट्स। फिर मिलेंगे देश और दुनिया की ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।